नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल की बातचीत जारी है, लेकिन पूर्वी लद्दाख में चीन सैन्य तैनाती भी बढ़ा रहा है। एलएसी के करीब उसने 20,000 सैनिक बढ़ाए हैं। इतना ही नहीं, शिनजियांग में भी उसने 10,000 से 12,000 जवान रोके हुए हैं, जो जरूरत पड़ने पर जल्द सीमा पर पहुंच सकते हैं। शिनजियांग का इलाका एलएसी से करीब 1,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन चीन की तरफ जमीन समतल है, इसलिए ये जवान बस 48 घंटे में सीमा तक पहुंच सकते हैं। बताया गया कि भारत चीनी हरकतों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। भारत भी इलाके में एक और डिवीजन की तैनाती पर विचार कर रहा है। पता चला है कि चीन आमतौर पर तिब्बत क्षेत्र में सिर्फ 2 डिवीजन तैनात रखता है, लेकिन अब वो 2 डिवीजन अतिरिक्त लाया है। चीन ने अगर 2 डिवीजन बढ़ाई तो भारतीय सेना ने भी इस सेक्टर के लिए ट्रेंड 2 डिवीजन बढ़ा दिए। टैंक्स और BMP-2 इन्फेंट्री के साथ कॉम्बैट व्हीकल भी हवाई रास्ते से लाए जा चुके हैं। दौलत बेग ओल्डी यानी DBO में भी आर्म्ड ब्रिगेड मोर्चा संभाल चुकी है। चीन DBO से गलवान और काराकोरम तक बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा भारत भी यहाँ एक और डिवीजन की तैनाती पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच विवाद खत्म करने के लिए मंगलवार को दोनों देशों के सैन्य कमांडर के बीच बातचीत हुई। भारत और चीन के बीच तनाव को खत्म करने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह तीसरी वार्ता थी। हालांकि बताया जाता है कि दोनों ही देशों की सेनाएं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। इस मीटिंग का मकसद दोनों तरफ से डी एस्केलेशन के नियमों का निर्धारण करना था, लेकिन भारत और चीन के कमांडर के बीच रजामंदी नहीं बन सकी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।